वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहरीन विलेज व्लॉग। और क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अब शाम का टाइम है, असर की नमाज अभी मैंने पढ़ी, तो अभी मैं ऊपर आई हूँ। तो मैंने सोचा आज मैंने जो व्लॉग बनाना है आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैंने चूल्हा बनाया था, सुबह काफ़ी टाइम कम था तो मैंने सोचा चलें ठीक है, शाम के टाइम में दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसा चूल्हा बनाया मैंने आज, लकड़ियों का चूल्हा जो बनाया। तो पिछली दफ़ा जब मैंने बनाया था चूल्हा तो वो मैंने मिट्टी का बनाया था, तो इस दफ़ा मैंने जौन सा चूल्हा बनाया तो अब वो सीमेंट का बनाया। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चूल्हा कैसा बनाया। साथ अभी शाम के टाइम अभी मैं आई थी कपड़े वगैरह उतारने के लिए, तो काम सारा ख़त्म किया है मैंने दोपहर का, खाना वगैरह बनाने के बाद सारा काम करने के बाद, अभी काम ख़त्म करने के बाद सारे, तो अभी मैं शाम के टाइम आई हूँ। अभी भी व्लॉग जौन सा है आपको सिर्फ ये इतना दिखाना है कि ये चूल्हा जौन सा मैंने बनाया है कमरे के साथ जौन सा यहाँ पे, मैंने सोचा चलें यहाँ पे चूल्हा बनाते हैं। सुबह इनके बाबा का टाइम थोड़ा कम था तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी से बस बना लो और मैं जाऊँ, बनाते हुए तो मैंने नहीं दिखाया। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें अभी ये शाम का टाइम है, तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम है। अभी असर का टाइम था, अभी मैं ऊपर आई हूँ। बाहर बच्चे जौन से हैं वो खेल रहे हैं सारे बच्चे ना, तो वो बच्चे सारे बाहर खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर था, नीचे व्लॉग बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा शोर होगा। अभी भी शोर, आई होप कि आप लोगों को सुन रहा होगा, काफ़ी शोर है। तो इधर मिट्ठू भी हैं, आज धूप निकली हुई थी, 2-3 दिन हो गए धूप निकल रही है, तो यहाँ पर मिट्ठू भी जौन सा है वो भी बैठा हुआ है। ये देखें ये भी धूप में धूप सेक रहा है। तो इधर ये देखें ना मिट्ठू बैठा हुआ है, इस मिट्ठू को भी अभी लेके जाना है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि बेटी जौन सी है वो भी मेरी ऊपर आती है, उसको मैं कहती हूँ इशार फातमा को कि इशार फातमा मेरे साथ, ये जौन सा मिट्ठू का जौन सा है पिंजरा ये साथ लेके जाए मेरे साथ नीचे। तो चलें जी, अभी शाम का अब मैंने और कोई भी खाना नहीं बनाना। आज मैंने खाने में मैंने जो बनाया है आज आलू और मूलियों का सालन बनाया है। अभी मैं सारा कुछ मैं बना चुकी हूँ, तो टाइम तो इतना नहीं होता, दिन बहुत छोटे छोटे से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है तो इसलिए मैंने कहा चलो छोटा सा व्लॉग बना देती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो छोटा सा ये व्लॉग बना है। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को चूल्हा कैसा लगा है, ये व्लॉग कैसा लगा है। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा व्लॉग लगता है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और फुल वॉच किया करें। और आप लोगों की फुल वॉच करने से ही मेरा वॉच टाइम पूरा होगा और मैं ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, और मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊं। ये तभी मुमकिन है जब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। हेल्प इसी तरह से होगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे व्लॉग्स को और कमेंट में ज़रूर अच्छा सा कमेंट भी किया करें। ये तो गलत बात है कि आप वीडियो देखते हैं और फिर अच्छा सा कमेंट भी नहीं करते, ये तो गलत बात होती है। बताया करें कि आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी नीचे जाके कि मैंने आज कौन सा सालन बनाया, आप लोग भी वो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो वो भी मुझे बताना है। तो कभी बनाऊंगी फिर दोबारा आलू मूलियों का सालन तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, लेकिन अभी आज इतना ही व्लॉग बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा नीचे जाके सिर्फ दिखाऊंगी। तो अभी मैंने उसके ऊपर वो जुम्मे के ऊपर और शायद आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी
इतने अच्छा अच्छा सा सबज सबज जौन सी फसलें हैं सारी नज़र आ रही मुझे। चलें, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा व्यूज़ भी दिखा दिए हैं और थोड़ा सा मैंने ये अपना चूल्हा जो तैयार किया वो भी दिखा दिया। अब सिर्फ मैंने जो पकाया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर उसके बाद ब्लॉग का दी एंड करेंगे। तो इतना सा ये है, ज़्यादा नहीं तो इतना तो ठीक है। चलें चलते हैं। तो ये जो सा है ये है आलू मूलियों का सालन। पता है ये कैसे बना हुआ है? मूलियों को मैंने कद्दूकश की है और मैंने आलूओं के इस तरह से पीसीस बनाए हैं इस तरह से। तो ये आलू मूलियों का सालन है तो बड़ा ही मज़े का बनता है ये। अभी तो हम वैसे सालन के साथ ये लगा के रोटी खाएंगे, तो सुबह को इन्हीं आलू मूलियों के पराठे भी बनाएंगे और बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। आप लोग भी ट्राई करना इंशाल्लाह, आप लोगों को भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो आज का व्लॉग यही है, तो दी एंड करते हैं और दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग से ज़रूर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।